बच्चों, हमने अभी पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लिख लिया है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। अब हम दूसरा हिस्सा देखेंगे। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि विलोमार्थी शब्द क्या होता है या फिर विलोम अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं। तो विलोम अर्थ वाले शब्द होते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स भी कहा जाता है। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पर्यायवाची शब्दों का अर्थ पता है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उलट होते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। हमें पुस्तक में विलोमार्थी शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहा गया है। तो पहला विलोमार्थी शब्द क्या दिया है यहाँ पर? दुख। दुख का विलोमार्थी शब्द क्या हुआ? सुख। दुख का विलोमार्थी शब्द हो गया सुख। उसके बाद दिया है आगे। आगे के विलोमार्थी शब्द है पीछे। तीसरा है छोड़ना। छोड़ना का विलोमार्थी शब्द क्या हुआ? पकड़ना। चौथा है काम। काम का विलोमार्थी शब्द हुआ आराम। ठीक है बच्चों, अब विलोमार्थी शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। दुख का विलोमार्थी शब्द हुआ सुख, आगे पीछे, छोड़ना, पकड़ना, काम और काम का विलोमार्थी शब्द क्या है? काम का विलोमार्थी शब्द है आराम। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न क्रमांक 3 पर, जो है पृष्ठ क्रमांक 6 पर। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर जो दिया गया है पढ़िए, समझिए और लिखिए, तो हमें ये पढ़ना है, समझना है और लिखना है। यहाँ पर पहला शब्द क्या दिया गया है? हिम्मत। हिम्मत का कैसे लिखा है इन्होंने? हिम्मत अधिक ई। हिम्मत अधिक ई क्या हुआ? हिम्मती। यहाँ पर क्या दिखाया है? साथ। साथ अधिक ई क्या हुआ? साथी। पहाड़। पहाड़ अधिक ई क्या हुआ? पहाड़ी। पहला क्या दिया था? हिम्मत। हिम्मत अधिक ई क्या हुआ? हिम्मती। दूसरा है साथ। साथ अधिक ई क्या हुआ? साथी। तीसरा है पहाड़। पहाड़ अधिक ई क्या हुआ? पहाड़ी। चौथा है साहस। साहस अधिक ई क्या हुआ? साहसी। पांचवा है दुख। दुख अधिक ई क्या हुआ? दुखी। राह। राह अधिक ई कैसा पढ़ेंगे? राही। ठीक है बच्चों, हिम्मत अधिक ई हिम्मती, साथ अधिक ई साथी, पहाड़ अधिक ई पहाड़ी, साहस अधिक ई साहसी, दुख अधिक ई दुखी और राह अधिक ई क्या हुआ? राही। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द और पढ़िए, समझिए और लिखिए में जो भी हमें शब्द दिए गए हैं बनाने के लिए, वो हमने शब्द बना लिए हैं। इसके बाद है क्रियाकलाप, जिसमें हमें बातों बातों में दिया गया है, वो आपको अपने घर पर मम्मी के साथ, पापा के साथ बात कर कर आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और मेरी कलम से मैं छोटा भीम दिया गया है। छोटा भीम बच्चों को बहुत पसंद है। आपको छोटा भीम के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं कि वो क्या खाता है, उसे लड्डू पसंद है, वो ढोलकपुर में रहता है। ऐसे अलग 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 5 वाक्य आपको हिंदी की पुस्तक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद दो बहनें, ये लेसन है। हमने इस तरह से पहले कविता बड़े चलो पूर्ण की है, इसके शब्दार्थ पूर्ण किए हैं, अभ्यास पूर्ण किया है। अभ्यास में जो श्रुत लेख है, मौखिक प्रश्न है, सही गलत हमने लिखे हैं। पाठ बोध में प्रश्न क्रमांक 1 और दिए गए प्रश्न के उत्तर हमने लिख लिए हैं।
ये विचार कीजिए, मैं जो हमने सही जो जो सीखे दी गई उनके आगे सही निशान लगाए हैं। उसके बाद भाषा में हमने पर्यायवाची शब्द पूर्ण किया है, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लिखा है, उसका जो कुछ भी उसकी व्याख्या है वो हमने लिखी है, विलोमार्थी शब्दों की व्याख्या हमने लिखी है और हमने उनके विलोमार्थी शब्द भी लिखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़िए समझिए लिखिए भी हमने पूर्ण किया है। ये सब कुछ आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको सुवाच्य अक्षरों में लिखना है, ये आपको एकदम अच्छे अक्षरों में लिखना है जो आप खुद पढ़ सके और आपके टीचर भी पढ़ सके, ठीक है। ये सब कुछ आपको अपने अच्छे से सुवाच्य अक्षरों में लिखना है, अपनी मम्मी पापा की मदद लेनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद छोटा भीम के बारे में मैंने आपको जो 5 वाक्य लिखने बोले, आप अपने दिल से कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं कि वो ढोलकपुर में रहता है, वो एक साहसी बच्चा है, उसे लड्डू बहुत पसंद है, उसके दोस्तों के नाम आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह हमने अपना पहला कवितक में जो कुछ भी हमें अभ्यास कार्य दिया था वो हमने अपना अभ्यास कार्य पूर्ण किया है। इसके बाद हम आएंगे हमारी अगले पार्ट पर, 2 बहनें। हमें बहनों के बारे में अच्छे से पता होता है, बहनें आपस में लड़ती भी है, इनमें आपस में प्रेम भी बहुत होता है, बहनें एक दूसरे की फिक्र भी बहुत लेती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 बहनों की कहानी दी गई है, जैसे कि 2 बहनें हैं जिनका नाम है दिया और प्राची। ये दोनों में कौन से तरीके की बातें हो रही है ये हमें पढ़नी है और जाननी है, तो हम कहानी शुरू करेंगे। 2 बहनें, पृष्ठ क्रमांक 7 पर। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की, मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम, तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर, दिया मुंह बनाते हुए बोली। दीदी ले चलो ना, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से, आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी, प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। यहाँ पर 2 बहनें हैं जिनका नाम है दिया और प्राची। प्राची जो है वो कौन सी बहन है, प्राची जो है वो छोटी वाली बहन है, वो अपनी उसकी बहन ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अपनी मम्मी को बता